हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है दोपहर के 2 बजे और आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं गौशाला, जो कि प्लान था हमारा कल जाने का, लेकिन कल हमें टाइम नहीं मिल पाया तो हम आज जा रहे हैं। और अभी हम निकले हैं, सुबह की वीडियोस हमने सारी शूट कर ली हैं और बच्चे हैं ये रहे। कुंजू देख रहा है फोन नहीं। फिर गाना चलाना तो ये गाना चलाना इसलिए रुका हुआ है क्योंकि हम व्लॉग शूट कर रहे हैं अभी, इसीलिए तो सोच रहा है कि व्लॉग जब बंद करेंगे शूट करना तो मैं गाना चलाऊंगा। तो अभी ये रहा रास्ता। तो आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है तो हमने सोचा आज दोपहर में ही जाया जाए, वरना हम शाम को जाते हैं फिर सुबह सुबह। आज सुबह तो हम जल्दी उठ नहीं पाए और कुछ काम वाम थे, वीडियो शूट करनी थी तो सुबह नहीं निकल पाए, तो अभी जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं गौशाला, मतलब थोड़ा सा दूर है। और चारे के लिए हमने बोल दिया था पहले ही फोन करके कि आप रेडी रखना और हम जाते ही गौशाला चले जाएंगे। लेकिन जो गौशाला जो चारा देते हैं वो जो है भैया वो है नहीं शॉप पे, और बच्चे और ये चले गए हैं जूस पीने के लिए। मुझे नहीं पीना था, मुझे खानी है शक्करकंदी वाली चाट। और ये लोग गए हैं वहां, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये लोग जूस वाले शॉप पे जाकर खड़े हो गए हैं अभी, वो यहाँ लगता है टाइम लगने वाला है आज। फिर मुझे नहीं पीना था लेकिन फिर भी मेरे लिए जूस भेज दिया गया है, खुद पियेंगे तो मुझे जरूरी है पिलाना। मैंने बोला था मुझे नहीं पीना, फिर क्यों भेजा मेरे लिए? क्यों भेजा? क्योंकि अच्छा जूस अच्छा था। अच्छा था मुझे पीने में, कुछ चाट भी खानी है ठीक है ना, खा लेंगे। शक्करकंदी नहीं, दूर है अभी, दूर है, दूर है, बहुत दूर है। मैं तो पेट भर गया। मैं आप शक्करकंदी वाली चाट बोल रही हूं। मैं भी खाऊंगा। तुझे पसंद है? हाँ। बहुत दूर है, चलो सीधा। मैं भी खाऊंगा। मैं बताती हूं। दूर है बना के नहीं मुड़ेगी ना गाड़ी। बैग लेके थोड़ा ऐसा टर्न कर लो। अब ले लो टर्न, बहुत दूर है अभी तो। खड्डा दूर है, दूर है। खड्डा उधर, वो अंदर टायर चल रहा था उसके, और ज्यादा आगे जाते तो खड्डा था इस तरफ, दिखाई दिख ही नहीं रहा था। तो अभी हम चल दिए हैं गौशाला, अपनी पेट पूजा कर ली है हमने। यहाँ के जूस भी पीना हो जाता है ना, नहीं आया तो ठीक था। हाँ, क्योंकि कल गोपाष्टमी थी और है ना, बहुत ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे ना। वैसे ही सभी पशुओं मतलब गायों को वैसे ही बहुत अच्छा से खाना मिल गया होगा कल, है ना। तो वो एक्स्ट्रा ही चलाया था फालतू, है ना। बोल रहे थे लोग आए थे उनको, उनको खाली हाथ जाना पड़ा, इतने वो इतना सामान कम हो गया था। उसको अच्छा, हम गौशाला के अंदर। तो कोई भी नहीं है, कल आते तो एकदम बुरा हाल होता ना। बहुत ज्यादा है ना। क्या गिरा ना बत्तीस तरफ? बत गिरा, फायदा नहीं हो ना भी फिर। हाथ तो छोटे छोटे से है। तो अभी हम गौशाला से आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं, अभी हमने सब्जी ले ली और यहाँ एक वीडियो शूट करी है और अब हम जा रहे हैं शॉप पे कुछ वीडियो शूट करने के लिए। मैं नहीं बनाऊंगा इनसे बनाओ होगा, ये तो नहीं बना सकते वीडियोस। एक रिएक्शन देने में एकदम पसीना पसीना आ गया, सड़क पे रिएक्शन देना था। सड़क पे वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल है वैसे। तो मैं भी तो थी ना, मैं भी बना रही थी वहाँ, मैं भी बना रही थी वहाँ, लेकिन ये तो अभी तक इतना पसीना आ रखा है। आपको पता है कल ना मैंने गुंजू को ग्रीडी डॉग की स्टोरी बोली लिखने को, इसने 2 मिनट में लिख के दे दी। और कल गुंजू का टेस्ट है, गुंजू अगर 8 से कम आए ना टेस्ट में, 10 के टेस्ट में फिर देख लेना। क्या बंदर बोल ही दिया मम्मा ने भी, कुंज 8 से कम, 8 देख लो, 1 से कम। अब कहते हो 0 लाने हैं। एट से नीचे नहीं आया जी नंबर आया तो फिर तू देख लेना, तो कहता 1 से कम आएंगे तो देख लेना।
पूजा होशियारपुर घूम के तो आए आज। कल स्कूल जाना है, बैग पैक कर लो अपना। हो गए बैग पैक, कल लंच में क्या दोगे? लंच की पहले टेंशन होती है। क्या दोगे? सोचा नहीं है। मत कर कुंज, बताओ। काजल बटन ले जाएगी कल। नहीं मैं खाऊंगा ना, सैंडविच दे दे। चल सैंडविच कैसे खाओगे? ब्रेड तो है नहीं, ब्रेड ही अच्छा नहीं दिया अंकल ने, एकदम मिट्टी वाला ब्रेड है। मम्मी मेरे बर्थडे पे ना वॉफल हट जाएंगे। वॉफल हट होशियारपुर में नया खुला है, वॉफल हट। तो उधर जाके वॉफल तो खा ही सकते हैं, क्यों नहीं बनाना घर पे जा घर। पता है वॉफल ये चुप हो जा, पता है वॉफल वॉफल होता है, वही पता तो है नहीं, खाया ही नहीं मैंने, जब बताऊंगी कैसे मैं। आप खिला, आप लोग खिलाओगे तभी, आप लोग खिलाओगे क्या है? नहीं होता ऐसा, तो मेरे पास आईफोन भी नहीं है, वो भी ला दो। यार मेरे को ऐसे मेरे को जाना है वॉफल हट बर्थडे में मेरे। वॉफल हट पे पापा वॉफल मिलते हैं। अरे नहीं चॉकलेट वाला होता है। मेरे बर्थडे पापा बस एक महीने के अंदर आने वाला है, कितना कम टाइम रहता है। 20 दिन ये मेरा बर्थडे कहाँ मनाएंगे? घर पे मनाएंगे ठीक है, पर बर्थडे की ड्रेस तो मंगा दो अच्छी सी। नहीं उंगली देख, नहीं किया दिखाना नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय गाइस।